न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में 40वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तरी भारत के प्रमुख डॉक्टरों ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर एसएस गिल ने ज्योति प्रज्वलित कर किया और कॉन्फ्रेंस में लगी एग्जीबिशन का उद्घाटन विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर चरणजीत सिंह अटवाल ने किया। इस मौके पर सोसाइटी के प्रधान डॉक्टर एके कुपड़ ने बताया कि इस साल सोसाइटी न्यूट्रिशन अप्रोच फॉर कम्बेटिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज की थीम पर काम कर रही है। इसके तहत बीमारियों को फैलने से रोकने में खान पान की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यंग साइंटिस्ट अवार्ड सेशन और फ्री कम्युनिकेशन सेशन में डॉक्टर बी सेसीकरण, डॉक्टर कुमुद खन्ना, डॉक्टर जगमीत मदान, डॉक्टर दिनेश गुप्ता, डॉक्टर सुमनपुरी, डॉक्टर अनुजा थॉमस, डॉक्टर नवीन मित्तल और डॉक्टर राजेश महाजन ने चेयरपर्सन की भूमिका निभाई। इस अवसर पर डीएमसीएच मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी प्रेम कुमार गुप्ता, डॉक्टर आर हेमलता, कनाडा से डॉक्टर सुखिंदर कौर चीमा, डॉक्टर माइकल एस करामर ने भी अपने विचार पेश किए। न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस की जा रही है, एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस है, 46th एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस है और इसका जो हमने थीम रखा है वो ये रखा है कि न्यूट्रिशनल अप्रोच नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में कैसे होनी चाहिए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, डायबिटीज़ है और इन सब की मैनेजमेंट में खाने पीने में क्या ठीक होना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, उस पर सारी कॉन्फ्रेंस हो रही है।